हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लच्छेदार आम की रबड़ी बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने गैस पे ये कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। इसके अंदर ही मैं 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क डाल रही हूँ। दूध को मैं एक बार गरम कर चुकी हूँ, इसलिए इसके अंदर मलाई जम गई। अगर आपका कच्चा दूध है तो भी चलेगा, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है, इसलिए मैंने दूध को एक बार गरम कर लिया था। मलाई सहित आपको डालना है इसे पूरा। गैस को मैंने अभी तेज गैस पे रखा है, इसे आप बीच बीच में चलाते रहिए। ये दूध जो है आपको अच्छा फुल क्रीम मिल्क लेना है। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें गाढ़ी मलाई जमना स्टार्ट हुई थी। जितना दूध आपका गाढ़ा रहेगा उतनी अच्छी हमारी रबड़ी बनके तैयार होगी। वो काफी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। दूध अगर पतला रहता है तो उसको बॉइल करने में टाइम ज्यादा लगता है, और जो उसके लच्छे हैं वो भी थोड़े से पतले, थोड़े से नरम सॉफ्ट वाले बनते हैं। इसे मैंने अभी फुल फ्लेम पे रखा है। इसे गर्म होने को कम से कम 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उबाले आ चुके हैं। गैस को मैं बिल्कुल मीडियम कर दूंगी। एकदम लो करेंगे तो हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने गैस को इसलिए थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। मीडियम करने के बाद एक आप इस टाइप से करछी ले लीजिए, जो चम्मच रहता है दाल वगैरह इसे परोसने के लिए, वो चम्मच का आप यूज कीजिए। इस चम्मच को इसके अंदर रख दीजिए ताकि दूध इसके कारण हमारा बिल्कुल भी उफ नहीं करे। आपको जो भी एक्स्ट्रा काम करना है आप जब तक वो करते रहिए, एक तरफ हमारी ये रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। इसे कम से कम आधा घंटा लगेगा उबलने के लिए। लो गैस पे करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, मीडियम में करेंगे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम गैस पे इसे कम से कम मैं 15 से 20 मिनट तक बॉईल करूंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कितनी कम हो जाती है। बस चम्मच को आपको इसी तरह से बार बार रखना है। उसके बाद जो मलाई जमती जाएगी इसे आप इस तरह से उबल उबल के, जैसे गाढ़ा होता जाएगा मलाई इसमें आती जाएगी, इसे आप साइड में कर दीजिए। किस तरह से करना है इसमें जैसे मलाई जमेगी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा टाइम हो चुका मुझे इसे बॉईल करते हुए। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से मलाई जो है पूरी हमारी जमने स्टार्ट हो गई है। इसे बस इस तरह से आपको साइड में करते जाना है। देखिए चम्मच रखने से ये रहता है। आप देख सकते हैं दूध हमारा इतनी जल्दी इतना उबल चुका, मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय ही हुआ इसे उबालते हुए। बस इस तरह से हम साइड में करते जाएंगे, फिर इसके ऊपर मलाई जम जाएगी और इस तरह से हमारा दूध जो काफी जल्दी भी बॉयल हो जाएगा, हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मुझे इसे उबालते हुए लगभग 8 से 10 मिनट का समय हो चुका है। देखिए काफी अच्छी इसमें मलाई जमने लगी है। बीच में मैंने इसे 1 से 2 बार इस तरह से पूरा मिक्स भी कर दिया था। मलाई भी आपको साइड में करते जाना है, दूध को इस तरह से मिक्स भी करना है। देखिए जैसे जो साइड में हमारी जम गई है इसे आप निकाल लीजिए। कितनी बढ़िया कलर भी इसका चेंज होने लगा, ये देखिए कितनी लंबी हमारी ये मलाई निकली। इसी तरह से ये जमती जाएगी और इसे मिक्स भी करना है, नहीं तो क्या ऊपर की परत में पूरी सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इसे मिक्स करते जाइए, उसके बाद फिर इसे आप थोड़ा सा जमने दीजिए। इसमें आप नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज करेंगे तो आपका काम जो काफी आसानी से हो जाएगा, कढ़ाई में ज्यादा ये चिपकेगी नहीं। बस इसे साइड से आपको हर बार थोड़ी देर में इसे निकालना है। उसके बाद फिर से इसके अंदर मैं एक चम्मच रख दूंगी इस तरह से। देखिए दूध हमारा लगभग आधे से थोड़ा सा कम हुआ है। मैंने 2 लीटर ही दूध लिया था, मेरे 1/2 लीटर दूध जो है वो उबल चुका है, 1.5 लीटर बचा है, मुझे इसे भी अभी कम करना है। मुझे इसे बॉईल करते हुए लगभग आधे से 1/4 घंटे का समय होने आया है। आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी बढ़िया ये गाढ़ी हो गई है और इसमें अच्छे से लच्छे जो है इसके बनने लगे हैं। अब चम्मच का हमें काम नहीं है, इसे आप चम्मच को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। इसके अंदर मैंने शक्कर को नाप के लिए मैंने ये 1/2 कप शक्कर ली है। लगभग मेरी ये वजन में 100 ग्राम के करीब शक्कर है। इसे आप मिक्स कर दीजिए और गैस को आप बिल्कुल लो कर दीजिए ताकि ये उबल कर थोड़ी सी ये लिक्विड होगी। उसके बाद हमें इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट तक और उबालना है। शक्कर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे इसे बॉइल करते हुए 10 मिनट का समय हो चुका था। गैस को मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया कलर भी इसको आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका कलर आया है। ये देखिए
बिल्कुल, जो बादाम का कलर रहता है, लाइट बादामी कलर, वही हमारी रबड़ी का है। इसमें आप लच्छे भी देख सकते हैं कि कितने सारे बने हैं। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने कोई भी चीज़ में इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं मिले, ना ही कोई हमने मिल्क पाउडर मिलाया है, कुछ भी ऐड हमने नहीं करा है। बिना कुछ मिलाए ही हमारी रबड़ी कितनी बढ़िया और एकदम थिक बनी है। ये लगभग मैंने दूध को उबाल उबाल के एक हिस्सा रखा था, मतलब ये लगभग मेरा आधा किलो दूध बचा था। मैंने 2 लीटर दूध लिया था तो ये आधा लीटर मेरा दूध बचा था, इतना मैंने इसे बॉईल करा है, तभी इसमें इतने बढ़िया लच्छे आए। गैस को बस आप लो और मीडियम करके इसके लच्छे बनाइए, काफी बढ़िया और टेस्टी बनेंगे। शक्कर आप अपने टेस्टी के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। मैंने इसे नॉर्मल मीठा रखा है, अगर इसे हम ज्यादा मीठा रख लेंगे तो इसमें सिर्फ शक्कर का ही टेस्ट आएगा, जो दूध का गाढ़ापन आया है, जो इसकी मलाई है, उस सबका टेस्ट जो है पूरा दब जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब इसे हमें अच्छे से ठंडा करना है, कम से कम इसे पंखे के नीचे मैं रख कर अच्छे से ठंडा कर लूंगी, उसके बाद इसे मैं थोड़ी देर फ्रीज में रख दूंगी। मैंने रबड़ी को फ्रीज के अंदर रख दिया ठंडा करने के लिए। मैंने 2 आम लिए, ये भी मैंने फ्रीज से ही ठंडे निकाले हैं। गर्म अगर आम रहेंगे तो इतना अच्छे इनका टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने आम को भी फ्रीज में रख दिया था। 2 आम है मेरे, मैंने ये बादाम आम का यूज करा, आप कोई भी आम ले सकते हैं। इसे हमें अच्छे से पीसना है, वो भी बिना पानी के, इसमें हमें शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं डालनी है। ये देखिए काफी अच्छे से पीस गया है, बस हमें इसी तरह से पीसना है, इसमें पानी का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए रबड़ी भी हमारी काफी अच्छे से ठंडी भी हो गई है, गाढ़ी भी काफी अच्छी हो गई है। देखिए हमें बस इसी तरह से गाढ़ी चाहिए थी, इतनी ही गाढ़ी होना चाहिए आपकी भी, क्योंकि इसके अंदर हम मैंगो की जो प्यूरी रहती है इसे मिलाएंगे। मैंगो को जो हमने अच्छे से पीस लिया इसमें आप मिक्स कर दीजिए, इससे जो हमारी आम की रबड़ी है उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए हमने थोड़ी शक्कर भी इसमें ज्यादा डाली थी। अगर आप नॉर्मल रबड़ी बना रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर की मात्रा भी आप कम करिए, और थोड़ा सा इसे लिक्विड आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। ये देखिए इतना मैंगो इसमें जाएगा तो हमारी रबड़ी इस तरह से लिक्विड हो जाएगी। मैंने मैंगो को और रबड़ी को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अलावा मैंने 2 आम इस तरह से क्यूब्स में काट के लिए, इसमें से मैं थोड़ा सा डेकोरेशन के हिसाब से लास्ट के लिए बचा लूंगी। टोटल मैंने इसमें 4 आम का यूज करा है। इस तरह से मुंह में भी आते हैं खाने में तो काफी बढ़िया लगता है, और पीस के डालने से उसका जो फ्लेवर है वो काफी ज्यादा हमारा बढ़ जाता है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है पूरा। इसी के अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन रबड़ी के साथ में आम का कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है, इलायची का टेस्ट उसमें मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने काजू लिए बारीक काट के, थोड़े से मैं लास्ट के लिए बचा रही हूँ। मैंने 10 काजू लिए थे और 10 ही बादाम लिए। मैंने 15 से 17 ये पिस्ता लिए। इसे अब हम एक बार मिक्स कर देंगे। इसे आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, काफी बढ़िया और टेस्टी लगेगी। इसे लेकिन आपको फ्रीजर में बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको इसे फ्रीज में रखकर ही यूज करना है। जिस भी बर्तन में आप सर्व करना चाहते हैं उसमें से आप निकाल लीजिए। कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। इसी के ऊपर जो हमने आम को बचा के रखा था इससे हम इसका डेकोरेशन कर देंगे। इसे थोड़ा सा दूर दूर डालिए ताकि दिखने में काफी सुंदर दिखता है। मैंने तीनों ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर दिया है, इसके ऊपर आप इसे डाल दीजिए। जितने आपको ड्राई फ्रूट्स इसमें पसंद है उतना आप इसमें डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से टेस्ट इसका बढ़िया आ जाता है। मैंने रेड कलर की टूटी फ्रूटी ली है, कतरी भी कहते हैं इसे, ये आपको मार्केट में केक की शॉप पे कहीं भी किराने की शॉप पे भी आसानी से मिल जाती है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज करने से इसका जो लुक है काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। ये देखिए कितनी बढ़िया, एकदम बढ़िया कलरफुल हमारी ये बनके तैयार हो गई। इसे बस आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, काफी ज्यादा टेस्टी लगेगी।
बिल्कुल, जितनी अच्छी दिखने में लग रही है उससे कई गुना खाने में काफी ज्यादा ये टेस्टी लगती है। बिल्कुल, आम का सीजन चल रहा है, आम की हर रेसिपी बनाकर खाना तो अच्छा ही लगता है, आम तो सभी को पसंद है। इसी तरह से मैंने आपके साथ में मैंगो रबड़ी की रेसिपी शेयर करी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।